प्यारे विद्यार्थियों, लेंस के टॉपिक में आपने न्यूटन्स फार्मूला किसी भी पतले लेंस के लिए, लेंस की बेसिक जानकारी, कटिंग प्रॉब्लम्स अगर लेंस को कट कर लिया जा रहा है, वर्टिकली कट कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, तब उसकी फोकल पॉइंट पे, फोकल लेंथ पे, उसके इमेज फॉर्मेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सारी कटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा। एक एक्सपेरिमेंट हमारा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी यूवी मेथड से फाइंड करना, कि हम ऑप्टिकल बेंच पे लेंस को फिक्स कर लेते हैं किसी भी पॉइंट पे और उसके ठीक सामने ऑब्जेक्ट को फिट कर लेते हैं, भी फिक्स हो जाता है, उसका इमेज हम लोकेट करते हैं कहां पर हमारा इमेज बन रहा है, तो लेंस से उस ऑब्जेक्ट पिन के बीच की डिस्टेंस u और उस लेंस से जहां पे इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है उसके बीच की डिस्टेंस v को हम नोट करके 1/v - 1/u = 1/f के फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम उस फोकल लेंथ को फाइंड करते हैं। ऐसे ही हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को अगर हम फिक्स कर लें, हम उस यूवी मेथड में क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट को और इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा था ये हमारा फिक्स नहीं था, वहां पर केवल फिक्स हमारा लेंस था कि मैंने किसी एक पॉइंट पे उसको फिक्स कर रखा है। अब हम ऑब्जेक्ट को उसके पास ला रहे हैं या उससे दूर ले जा रहे हैं, तब हमारा वी कहां पर मिल रहा है, उस कंडीशन में यूवी की वैल्यू हम नोट करके एफ की वैल्यू को फाइंड करते थे डायरेक्टली उस लेंस फार्मूले में वैल्यू पुट करके। लेकिन यहां पर एक और अच्छा डेरिवेशन हमारा, एक अच्छा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, और साथ ही साथ कहेंगे एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कि जिससे हम उसकी फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, कब, जब हमारा लेंस फिक्स ना हो करके हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज, यानी जहां पे स्क्रीन है जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है उसको हम फिक्स कर रहे हैं, अब लेंस हमारा डिस्प्लेस कराया जाएगा, स्थापित कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा इससे पहले कि थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जैसा कि पिछले वीडियोस में इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस के वीडियो में बहुत विधिवत तरीके से आपको बताया गया था कि ये माइनस फाइनाइट और ये प्लस फाइनाइट डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वो मेन फोकस पे इमेज बनेगा, छोटा बनेगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। अब जैसे जैसे इनफाइनाइट और 2f के बीच हम आ रहे होते हैं तो इमेज हमारा शिफ्ट होता है किस ओर, प्लस फाइनाइट की डिस्टेंस पे, और थोड़ा बड़ा बनता है, 2f पर आते हैं तो वो 2f पर ही बनता है, सेम साइज का होता है, और 2f और f के बीच आते हैं तो वो 2f और इनफाइनाइट के बीच बनता है, थोड़ा बड़ा बनता है, और अगर हम f पे आ जाते हैं तो वो इनफाइनाइट पे बनता करके है, सबसे बड़ा बनता है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम लेंस के करीब आ रहे हैं हमारा इमेज लेंस से दूर जा रहा है, इसके बीच की जो कंडीशन है यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज हमारा यहीं कहीं पर ही बनता है, ये सीधा होता है लेकिन वर्चुअल होता है, यानी कि आभासी होता है, और ये कंडीशन है कि फोकस और पोल के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट रख करके और इसका इमेज फॉर्म करते हैं तो यही नहीं बनता है। ये वाली कंडीशन हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में यही प्रक्रिया लागू होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छा क्वेश्चन है इसमें से भी है। तो आपने क्या देखा कि माइनस इनफाइनाइट से जैसे जैसे हम लेंस की ओर आते जाते हैं तो इमेज हमारा ये फोकस से प्लस इनफाइनाइट की ओर बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है उसका, और धीरे धीरे करते करते इनफाइनाइट पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा इमेज हमको मिलता है। लेकिन यहां पर आपने क्या देखा कि यू और वी दोनों फिक्स नहीं है,
यू हमारा फाइनाइट है तो वी ये हो गया, ये यू है तो यू वी यहाँ हो गया, ऐसे ऐसे देखें कि यू घट रहा है तो वी बढ़ रहा है, यानी कि यू और वी हमारे वेरिएबल हैं। तो उस कंडीशन में लेस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम क्या करते हैं, सीधे सीधे यू और वी की वैल्यू पुट करके एफ की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इस लेंस को फिक्स नहीं करना है ऑब्जेक्ट, और जहां पे इमेज हमको मिलेगा वो स्क्रीन फिक्स करनी है। जैसे यूवी मेथड में जो ऑप्टिकल बेंच पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वही एक्सपेरिमेंट हमारा यहां पर भी होगा। सपोज कर लेते हैं कि ये स्क्रीन है और यहां पे ऑब्जेक्ट रख लिया गया है, कोई ओपो डैश ऑब्जेक्ट है और ये आपकी स्क्रीन है। अच्छा भाई, अब ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ये भी हमारा फिक्स और ये भी फिक्स है, ठीक। इसे इस कंडीशन पे लेकर के समझें कि अगर सपोज कर लिया जाए कि इन दोनों के बीच मैंने यहां कहीं पर भी यहां कहीं पर उस लेंस को रखा, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मैंने रखा, तब मैंने देखा कि इसका इमेज यहां कहीं पर फॉर्म हो रहा है, उसी स्क्रीन पे हमें मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस लेंस को थोड़ा डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेस यानी कि विस्थापित करें। जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों फिक्स रहेंगे, अब केवल लेंस को हम मूव कराएंगे। तो लेंस को मैंने क्या किया, थोड़ा इधर ले गए, यहां तक लाया, मैंने देखा कि जहां स्क्रीन है जहां पे इमेज हमको इस एक कंडीशन पे लेंस को रखने पे मिल रही थी, अब वो वहां पे नहीं मिल रही है। अब मैंने क्या किया, उस लेंस को इस स्क्रीन की ओर लेते चले आ रहे हैं, लेते चले आ रहे हैं। तब मैंने ये देखा कि एक कंडीशन और ऐसी मिलती है कि जहां पे लेंस रख देने से इमेज हमारा उसी स्क्रीन पे मिल रहा है। भैया बात समझ में नहीं आई कि ऑब्जेक्ट और आपने स्क्रीन को फिक्स कर लिया है और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच मैंने एक पॉइंट कोई ऐसा हमको मिला जहां पे मैंने लेंस कॉन्वेक्स लेंस रखा, तो उस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इस स्क्रीन पे हमें मिल रहा है। अब मैंने क्या किया कि इस ए पॉइंट के अलावा मैंने क्या किया, इसको इधर थोड़ा स्लाइड कराते 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 जैसे आगे बढ़ रहे हैं लेंस को, आगे हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो वैसे हम ये देख रहे हैं कि एक हमको एक और पॉइंट मिला इन्हीं दोनों के बीच में कि जहां पर हम उस लेंस को रख देते हैं तो उस लेंस के द्वारा इसका बना हुआ इमेज हमें उसी स्क्रीन पर मिल रहा है। बात समझ में आई, तो ए और बी दो कंडीशंस हमें ऐसे मिली इन दोनों के बीच जहां पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें इसी स्क्रीन पर मिल रहा है। क्या उन दोनों कंडीशंस में हमें जो इमेज मिल रहा है क्या उस इमेज की हाइट सेम है, क्या हाइट सेम है, क्या उसका नेचर भी सेम है? अच्छा, दूसरी बात, क्या ये भी कोई ऐसी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को कुछ मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस पर ही हम फिक्स करेंगे तभी हमको ये कंडीशन मिलेगी क्या? लॉजिक चीज है, यही मेन क्वेश्चन हमारे इस डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो मेन क्वेश्चन निकल करके आते हैं वो इस इमेज फॉर्मेशन के द्वारा इसका नेचर क्या होगा, दोनों कंडीशंस में उसकी हाइट क्या होगी, या फिर हम दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करें तो सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा निकल करके ये आता है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच कोई एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगी क्या? उस मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस के
अलावा अगर उससे कम डिस्टेंस पे रखते हैं तो क्या वो कंडीशन नहीं मिलती है कि मिलती है, या उससे ज्यादा डिस्टेंस पे रखते हैं तभी वो हमको कंडीशन ऐसी मिलती है क्या? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि जिसमें हम किसी लेंस को डिस्प्लेस कराने पर हमें इमेज उसी पॉइंट पर मिले, दोनों कंडीशंस में उसी पॉइंट पर हमें इमेज मिले। पहला क्वेश्चन कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर एक कंडीशन पे हमें इमेज की हाइट क्या मिल रही थी, उसका नेचर क्या था, तो बी पॉइंट पर भी हमको उसके नेचर के बारे में जानकारी लेनी होगी कि वो कैसे कहां पर मिला। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो ये देखा गया कि अगर ए पॉइंट यानी कि यहां पे लेंस अगर रखा हुआ है तो इमेज हमको यहां पर मिल रहा है इसका, ठीक है। और तब हम ये देखते हैं कि यहां से जो यहां की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस यानी यू, और यहां से जो डिस्टेंस स्क्रीन के बीच की होगी वो कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है। और ये तो दोनों फिक्स ही थे, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, तो ये दोनों फिक्स थे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लें, चलो मान लेते हैं ए है, ए मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, ठीक। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में ए पॉइंट पे और इसको स्लाइड आगे करा रहे हैं, आगे खिसका पे भी ले जा रहे हैं, तो मैंने देखा कि यहां पर भी एक ऐसी कंडीशन हमको मिली कि जहां पर इमेज यानी बी कंडीशन भी ऐसी ही थी कि इमेज हमें यहीं पर मिलता है बी कंडीशन। तो आपसे ये कहा जाए कि अगर इसकी फोकल लेंथ कितनी है वो बताइए, या फिर ये कहा जाए कि इसकी फोकल लेंथ दे दी गई है तो बताओ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि जिससे आप इमेज हमको वही मिले, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने डी इतना मान लिया, यानी कि डी डिस्प्लेसमेंट यानी डी डिस्प्लेस करने पर डी डिस्टेंस है ले जाने पर हमको इमेज वही पर मिल रहा है, बस समझ में आएगी। अब जरा ये बताओ कि यहां से यहां की डिस्टेंस क्या अब ये यू हो गई है और यहां से यहां की डिस्टेंस वी हो गई है, तो ध्यान दीजिए ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कई सारे पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाता है कि जो डिस्टेंस ए कंडीशन पे ऑब्जेक्ट से उस लेंस के बीच था वही अब बी कंडीशन में पॉइंट बी से उस स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस रहेगी, यानी कि अब ये यू हो जाएगा, यू के इक्वल हमें मिलता है और ये डिस्टेंस जो है वो हमें वी के इक्वल मिलती है, समझे, बी कंडीशन के लिए, यानी ये ए कंडीशन के लिए और ये बी कंडीशन के लिए, बस उनमें है एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया और मिला भी ऐसा नहीं कि ये डिस्टेंस जो ओ ए डिस्टेंस थी वो यू थी और ए इसको हम सी मान लें, तो ए और सी डिस्टेंस लेंस और स्क्रीन के बीच बी, जब सेकंड कंडीशन में हमें फिर इमेज वहीं पर मिलता है तो हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस ओ ए थी
अब वो BC के इक्वल हो गई है, यानी ये U हो गया है, तो ये V के ठीक इक्वल हमको मिलती है। समझ में आए, ये ऐसी कंडीशंस हमको एक्सपेरिमेंट में मिलती हैं, साफ तौर पे दिखाई देती हैं। अब जरा ये देखिए क्या A जो है डिस्टेंस, ये A जो डिस्टेंस है क्या वो U प्लस B के इक्विवेलेंट है? तो भाई U प्लस B इज इक्वल टू A। अगर हम इस B की डिस्टेंस की बात करें D, तो क्या ये बताइए इस यहां से अब D डिस्टेंस हमको लेनी है, पसंद में तो इस V डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है? V है, और ये कितनी रह गई है? U के इक्विवेलेंट रह गई है। तो क्या इस V में से इस U को अगर हम लेस कर देंगे तो क्या D मिलेगा? यानी कि V माइनस U इज इक्वल टू D, बस समझ में आएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करने पर, इसे सॉल्व करने पर क्या मिलता है? तो ये देखिए U प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, या समीकरण एक और दो को जोड़ने पर लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट U U कैंसिल, 2V इज इक्वल टू A प्लस B, यानी V इज इक्वल टू A प्लस B बाय 2। भैया तो B की वैल्यू क्या मिलती है? B इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। अच्छा, अगर हम समीकरण एक में से दो घटाने पर, इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को घटा दिया जाए, है ना, तो अगर हम लेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो U और U मिलकर के 2U, और ये हो जाएगा A माइनस D, यानी U इज इक्वल टू A माइनस D बाई 2। तो क्या B और U की वैल्यू हमें मिली? अब आपसे पूछा क्या गया था कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ ट्रांजवर्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी कि इसको डिस्प्लेस कराने से इसकी फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो क्या वही किया गया है। तो लेंस फार्मूले से क्या हो जाएगा, 1 upon V minus 1 upon U = 1 upon F, V की वैल्यू पुट करेंगे A प्लस B बाई 2, तो 2 upon A plus B minus 1 upon U, यानी 2 upon A minus B by 2, यानी ये माइनस का रखा जाएगा, A प्लस हो जाएगा 1 upon A। तो ये देखा जाए तो क्या A माइनस B प्लस A प्लस B अपान A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon F, तो D ने D को कैंसिल कर दिया, A A 2A, 2 2 4A अपान A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon F, यानी कि F इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपान 4A। यहां पे A ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, और D D हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की दो कंडीशंस से दो पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस है। अगर हमें ये D और A पता हो तो अभी हम इस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकली तौर पर अगर देखा जाए तो A दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो D पूछ रहा है, D दिया है, A दिया है, यह पूछ रहा है, या D दिया है, यह दिया है, तो A की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप F A D में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा भैया, मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए
कि जिससे दोनों कंडीशंस पे स्क्रीन पे जो इमेज हमें मिले वो इमेज हमको रियल मिले। बात समझ में आई ना? तो उस रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए वो देखनी है, नोट कर लीजिएगा। अब इमेज फॉर्मेशन में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन यानी कि जब ए पॉइंट पर हमारा लेंस रखा हुआ है तब उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो मैग्निफिकेशन जैसे पता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम, एम इज द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, एम इज इक्वल टू वी बाई यू, वी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। तो HI अपॉन HO, तो फर्स्ट कंडीशन में हम H1 मान लेते हैं उस इमेज की हाइट को अपॉन HO। देखो दोनों कंडीशंस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सेम, इमेज हमारा बदल रहा है स्वाभाविक सी बात। जैसे आपने पहले देखा कि पास में रखा है तो और हाइट का पता है, दूर हो जाएगा तो उसकी हाइट उस चेंज हो जाएगी। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन में ही आपको ये बताया गया है कि जो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों कंडीशंस पे स्क्रीन पर ही हमको इमेज मिल रहा है, वहीं पर मिल रहा है, लेकिन उसकी हाइट में वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो सब देखिएगा H1 अपॉन HO इज इक्वल टू V बाई U फर्स्ट कंडीशन के लिए, और सेकंड कंडीशन के लिए H2 बाई HO इज इक्वल टू U बाई क्यों? क्योंकि V जो था वो क्या हो गया था, U के इक्विवेलेंट हो गया था, और V U जो था वो V के इक्विवेलेंट, और V जो था वो U के इक्विवेलेंट था, इंटरचेंजेबल हो गए थे। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर लिया जाए तो यहां से H1 अपॉन HO इज इक्वल टू V बाई U, और यहां से अगर V बाई U की वैल्यू दी जाए तो HO अपॉन H2 हो जाएगा। तो ये V बाई U H1 अपॉन HO, और यही V बाई U की वैल्यू HO अपॉन H2 के इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, HO स्क्वायर इज इक्वल टू H1 H2। समझे? अगर इसको हम हाइट HO मान रहे हैं तो HO स्क्वायर यानी कि इसकी जो हाइट होगी उसका स्क्वायर लिया जाएगा, तो उन दोनों इमेज की हाइट के मल्टीप्लाई के ठीक इक्वल होगा किसका, स्क्वायर ऑफ हाइट ऑफ इमेज की। तो हाइट ऑफ इमेज की बात कही जाए तो रूट H1 H2। समझे? रूट H1 H2। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से पूछा। अगर मान लिया जाए आपने पहली कंडीशन पे इसकी हाइट दे रखी गई है 1 सेंटीमीटर और यहां से यहां की डिस्टेंस भी दे दी गई, तो यार स्वाभाविक सी बात है आप वी फाइंड कर लोगे। वी फाइंड करने के बाद मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से H1 भी फाइंड कर लोगे। बात समझ में आई? H1 फाइंड हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है अगर H2 फाइंड करना होगा दूसरी कंडीशन के लिए तो H1 भी पता है, HO भी पता है, यार H2 की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे। H2 की वैल्यू अगर फाइंड हो जाएगी कि कहां कितना बड़ा साइज का वो बन रहा है, तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि अब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, U कितना रहेगा, V कितना रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यार इसमें से निकल करके बाहर आते हैं। तो इसको कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है OO' is equal to root I1 I2 I1 यानी हाइट ऑफ इमेज फर्स्ट कंडीशन पे, हाइट ऑफ इमेज सेकंड कंडीशन पे। आप क्या चर्चा करते हैं कि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। देखो भैया फार्मूला हमारा क्या है, लेंस फार्मूला 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon M। क्या आपने देखा कि V plus U plus V is equal to A,
तो यहां से u की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस b। ठीक, ये वैल्यू यहां पुट कर ली है, a माइनस में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, a माइनस b प्लस b अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन f। b ने b को मार दिया, बचता क्या है, a f क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए एफ इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में हमको मिलता है, द्विघात समीकरण, वो भी वी के टर्म्स में, क्योंकि हमें इमेज रियली मिलना चाहिए ना, तो वी इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सीधा चार फार्मूले से। तो सीधा को यहाँ पे धर के देखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर फार्मूला पता होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू माइनस बी यानी कि माइनस का ये तो प्लस के हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 4ac इस कितना है af है अपॉन 2a, a कितना है 1d है अपॉन 2। यहां पर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि x की वास्तविक मान के लिए, x के वास्तविक मान के लिए क्या b स्क्वायर माइनस 4ac बेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से ठीक इक्वल होना चाहिए, तो किसके लिए, वास्तविक मान के लिए, x के वास्तविक मान के लिए। तो ऐसे ही यहां पर v के वास्तविक मान के लिए, या हम ये कहें रियल इमेज है ना, रियल इमेज के लिए ए स्क्वायर माइनस 4af इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4af, यानी कि a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4a 4af। ए क्या था, ए हमारा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस थी भाई, नहीं थी, तो ये डिस्टेंस हमारी a ज्यादा होनी चाहिए किससे, 4f से, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट में जो हम लेंस रख रहे हैं उस लेंस की फोकस फोकल लेंथ का 4 टाइम्स हो, उतनी डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच होनी चाहिए, 4 टाइम्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सपोज कर लीजिएगा कि अगर मान लिया जाए फोकल 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का मैंने एक लेंस लिया और डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट और इमेज पिन के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर 20 सेंटीमीटर का अगर हम लेंस यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज पिन के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तभी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई भी लेंस आपको दिया गया उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो आप गेस कर सकते हैं कि मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का होगा तो 15 × 4 = 60 यानी कि 60 रखिए, और या उससे ज्यादा रखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस, लेकिन उससे कम नहीं रखिए। तो ये क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस डिस्प्लेसमेंट मेथड में, और पूछा भी जाता है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट मेथड में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन मस्ट शुड बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस और ग्रेटर देन, ठीक इक्वल होनी चाहिए या उसके 4 टाइम्स के जस्ट इक्वल होनी चाहिए, याद रहेगा ना आपको। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन जो सामने निकल करके आया, OO डैश इज इक्वल टू रूट I1 I2, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स इसमें से पूछे जाते हैं, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट मेथड में, यानी कि निरंतर ऐसे कहेगा कि उसी एक कंडीशन पर अगर हमने लेंस को रखा तो इमेज हमारा इतना बड़ा बना, और अगर हम इतनी दूरी पर उसको शिफ्ट कर देते हैं लेंस को तब हमारा इमेज इतना बड़ा बन रहा है, तो बताइए
ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था होगा, तो रूल आई वन आई टू से आप ओ को ड्रेस यानी कि ऑब्जेक्ट की आप हाइट पता कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कल करिए और तैयार करिए इसे।